हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. दिस इज योर इंग्लिश टीचर मिसेस प्रीति. गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम क्लास 8, डिजायरेस बेबी बाय केट चॉपिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर. केट चॉपिन वॉज एन अमेरिकन ऑथर बॉर्न इन सेंट लुइस, मिसौरी. हर रियल नेम वॉज कैथरीन ऑफ फ्लैटली. हैविंग लॉस्ट हर सिबलिंग्स and her father in her childhood, Kate developed a close bond with her mother. Most of her childhood was spent in reading. The genres of her choice were fairy tales, poetry, and religious allegories. As an author, she wrote numerous short stories and novels. Her major works were two short stories collection. Her important short stories included Desiree's Baby, The Story of an Hour, and The Storm. Now I am going to start the brief summary of the chapter. Let's begin. The story is about a young girl, Desiree, and how her life turns upside down by a chance of fate. Let's begin. The story opens with Madame Valmont visiting Desiree and her baby. अब क्या थी, स्टोरी ओपन होती है, स्टार्ट होती है मैडम वेलमोंट के साथ, और वो विजिट करते हैं किसके पास, डिजायरी और उसके बेबी के पास. On her way to library, she reminisces about Desiree's childhood. Reminiscence means remember. अब क्या था, जब वो लाइब्रेरीज होता है शेल्टर, अब वो क्या था, रास्ते में जाते हुए जहाँ वो रहने का रास्ता था उसे याद आया किसके बारे में, डिजायरे के बचपन के बारे में याद आया, चाइल्डहुड के बारे में आया. डिजायरी वॉज अ फाउंडलिंग डिस्कवर्ड बाय मॉन्शियर वेलमोंट. मॉन्शियर मीन्स मिस्टर, और डिजायरी फाउंडलिंग होता है अ यंग चाइल्ड हु इज लेफ्ट बाय इट्स पेरेंट्स एंड देन फाउंड बाय समवन एल्स. एक यंग चाइल्ड जिसको उसके पेरेंट्स छोड़ देते हैं और कोई और उसको पालता है, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग्स. तो वो डिजायरी क्या था, एक फाउंडलिंग थी, फाउंडलिंग था, और उसको डिस्कवर किया था, उसको किसने पाया था, मिस्टर वेलमोंट ने पाया था. ही फाउंड हर लाइंग इन द शेडो ऑफ अ बिग स्टोन पिलर एज ही वॉज गैलोपिंग थ्रू द गेट वे टू वेलमोंट. अब क्या था, उसने उनको, उसको कहाँ पाया था, शेडो के एक बिग स्टोन पिलर था, उसकी शेडो में उसे मिला था, वो डिजायरी मिला था. एज ही वॉज, जैसे ही वो गैलोप कर रहा था गेटवे से वेलमोंट तक, गेटवे गैलोप, सॉरी गैलोपिंग होता है बेटा प्रोसेसिंग इन अ रैपिड मैनर, तेज तेज चलना. तो उसको उस रास्ते पे वो मिला, डिजायरी मिले बेबी. द जनरल ओपिनियन वॉज दैट She was left behind by a party of Texans. अब क्या था, जनरल ओपिनियन क्या था, सलाह क्या थी, उसको छोड़ा गया था, उस बेबी को किसके द्वारा, पार्टी ऑफ टेक्सन्स के द्वारा छोड़ा गया था. बट मैडम वेलमोंट बिलीव डिजायरी वॉज सेंट टू हर बाय गॉड एज शी वॉज नॉट एबल टू हैव हर ओन चिल्ड्रन. अब क्या था, लेकिन मैडम वेलमोंट कहती है कि उसे विश्वास है, डिजायरी क्या है, भगवान के द्वारा भेजा गया बच्चा है. क्यों, क्योंकि उसके खुद के कोई भी बच्चे नहीं थे. 18 ईयर्स लेटर आर्मेंड आर्बेन ऑल ऑफ अ सडन फॉल्स इन लव विद डिजायरी व्हेन ही सीज हर स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्टोन पिलर इवन दो दे न्यू ईच अदर सिंस दे वर स्मॉल चिल्ड्रन एवर सिंस आर्मेंड एंड हिज फादर केम फ्रॉम पेरिस आफ्टर हिज मदर डाइड. अब क्या था, 18 ईयर्स के बाद जो आर्मेंड था वो किससे प्यार में पड़ गया, डिजायरी से प्यार में पड़ गया, यानी उसको प्यार हो गया जब उसने उसको देखा कहाँ खड़े हुए, स्टोन पिलर के पास खड़े हुए, और वो जानता था, जबकि वो जानते थे एक दूसरे को जब से वो छोटे बच्चे थे. और यहाँ तक कि आर्मेंड था जो उसके फादर थे, कहाँ से आए थे, पेरिस से आए थे, उसकी मदर की डेथ के बाद. मॉन्शियर वेलमोंट प्रपोजेस दैट Before their relationship becomes more serious, Desiree's origin should be exclaimed. अब क्या था,
जो वेलमोंट है, मिस्टर वेलमोंट थे, उन्होंने ये कहा कि उनके रिलेशनशिप से पहले सबसे सीरियस बात यह है कि डिज़ायरी का ओरिजिन पता चल जाना चाहिए, कि वो कहाँ से आई है और उसके बारे में पता होना चाहिए। हाउ एवर, आर्मंड इज सो इन लव दैट ही डज नॉट केयर अबाउट डिज़ायरीज एंसेस्टर एंड डिसाइड्स इट डज नॉट मैटर दैट शी डज नॉट हैव अ फैमिली नेम ऑफ हर ओन इफ ही कैन गिव हर अ परफेक्टली गुड वन एंड सो दे गेट मैरिड। अब आर्मिन क्या करता है कि उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है डिज़ायरी से, वो परवाह नहीं करता कि उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज कौन हैं, और डिसाइड भी नहीं करता कि भाई इस मामले में कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, और ही कैन गिव हर अ परफेक्टली गुड वन। उसके लिए वो बिल्कुल अच्छा हो सकता था, परफेक्ट हो सकता था, इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, दे गेट मैरिड। मैडम वेलमोंट हैज़ अ सरप्राइज अवेटिंग हर। अब क्या था, मैडम वेलमोंट के पास क्या था, अभी इंतज़ार कर रहा था सरप्राइज। शी हैज़ नॉट सीन द बेबी फॉर अ मंथ एंड व्हेन शी अराइज टू लाइब्रेरी शी इज शॉक्ड टू सी द बेबीज अपियरेंस। और जो मैडम वेलमोंट थी, उसके लिए सरप्राइज इंतजार कर रहा था, उसने बेबी को नहीं देखा था 1 मंथ से, और वो कहाँ आई थी, शेल्टर में आई, वो हैरान थी देखकर, बेबी की अपियरेंस को देख के हैरान थी। डिज़ायरी रिमार्क्स अबाउट हाउ मच ही हैज़ ग्रोन, और डिज़ायरी दिखाई दे रही थी कि कितना वो बड़ा हो चुका है। हाउ एवर इट इज़ अपारेंट दैट शी डज नॉट सी एनीथिंग रोंग विद हर सन, और ये क्लियर था कि वो देख नहीं सकती थी कुछ भी रोंग होते हुए अपने सन के साथ। शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एवर सिंस द बेबी वॉज बॉर्न, जब से बेबी पैदा हुआ था, हर हस्बैंड आर्मेंड हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श हैज़ सॉफ्टन अ ग्रेट डील। अब क्या था, उसके हस्बैंड था आर्मेंड, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्श था। वेन द बेबी इज 3 मंथ्स ओल्ड, और जब बेबी क्या हुआ, 3 मंथ का हो गया, डिज़ायरी का बेबी 3 मंथ का हो गया, द सिचुएशन इन द हाउस चेंजेस, जो हालात थे, सिचुएशन थी, वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। डिज़ायरी सेंसेस दैट देयर इज समथिंग रोंग, अब डिज़ायरी को कुछ फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आर्मेंड बिकम्स कोल्ड एंड अवॉइड बोथ डिज़ायरी एंड द बेबी। अब क्या था, आर्मेंड ने क्या किया, बहुत ही वो बिल्कुल अवॉइड करने लगा दोनों को, डिज़ायरी और उसके बेबी को। वन आफ्टरनून डिज़ायरी इज सिटिंग इन हर रूम एंड स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग हर चाइल्ड एंड अ लिटल बॉय, गार्डन बॉय हु वॉज फैनिंग इट। अब क्या था, उसने उसको अवॉइड कर दिया था, एक दोपहर जब डिज़ायरी बैठी थी अपने रूम में, उस बेबी को ऑब्जर्व कर रही थी, और अ लिटिल क्वार्डन बॉय, क्वार्डन मीन्स होता है पर्सन इज अ क्वार्टर ब्लैक बाय डिसेंट, यानी अपने पेरेंट्स से ही, पूर्वजों से मिला हुआ, 1/4 एरिया जो होता है उसका हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। डिज़ायरी ने ये नोट किया। द सिमिलरिटी बिटवीन दैम फ्राइटन्स हर एंड शी सेंड्स द बेबी बॉय अवे। और क्या थी, जो सिमिलरिटी थी, मिलती जुलती थी बिटवीन दैम फ्राइटन्स, उनके बीच में जो सिमिलरिटी थी, उससे वो डर गई और उसने उस बेबी को दूर कर दिया। वेन आर्मेंड्स अराइव बैक होम, जब आर्मेंड वापस आया, डिज़ायरी आस्क हिम अबाउट द बेबी। अब डिज़ायरी ने बेबी के बारे में पूछा। ही रिस्पोंड्स दैट इंडीड द बेबी इज़ नॉट वाइट, विच मीन्स दैट शी इज़ नॉट वाइट आइदर। अब क्या था, जो आर्मेंड था, डिज़ायरी का हस्बैंड था, उसने रिस्पोंड किया कि वास्तव में जो बेबी है वो वाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है, कभी भी वो वाइट नहीं है होगा, मतलब आगे भी। डिज़ायरी पॉइंट्स आउट ऑल हर फिजिकल फीचर्स दैट स्ट्रोंगली सजेस्ट दैट शी इज़ वाइट, बट हर एंग्री हस्बैंड टेल्स हर शी इज़ एज वाइट एज देयर मिक्स रेस स्लेव्स। अब डिज़ायरी ने पॉइंट आउट किया कि जो उसकी फिजिकल फीचर्स थे, उसको पॉइंट आउट किया और सजेस्ट किया उसको कि वो वाइट है, लेकिन
उसका एंग्री हस्बैंड टेल्स, जो गुस्से वाला हस्बैंड था उसको बताता है, शी इज़ एज वाइट, कि वो इतनी सफ़ेद है, एज दे आर मिक्स रेस स्लेव्स, जैसे कि मिक्स रेस स्लेव्स होते हैं, दास होते हैं उनकी तरह। डिस्परेट डिजायरी राइट्स टू हर मदर मैडम वेलमॉन्ट आस्किंग फॉर हेल्प। डेस्परेट मीन्स होपलेस होके, उम्मीद खो बैठना। अब डिजायरी क्या करती है, अपनी मदर मैडम वॉलमेंट को एक बात करती है, हेल्प करने के लिए पूछती है। मैडम वॉलमैन टेल्स हर टू कम बैक होम बिकॉज शी स्टिल लव्स हर। अब मैडम वेलमॉन क्या कहती हैं कि वो उसको कहती है घर वापस आ जाओ, अभी भी वो उसको प्यार करती थी अपनी बच्ची को। आफ्टरवर्ड्स डिजायरी आस्क हर हस्बैंड अबाउट हिज ओपिनियन एंड ही सेंड्स हर अवे। अब डिजायरी ने अपने हस्बैंड से उसकी ओपिनियन पूछी और उसको क्या था, दूर भेज दिया, यानी भेज दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और उसका रिजल्ट क्या रहा, डिजायरी टेक्स हर बेबी एंड लीव्स द हाउस। डिजायरी ने क्या किया, अपने बेबी को लिया और घर छोड़ के वो चली गई। हाउएवर शी डज नॉट टेक द रोड लीडिंग टू द वेलमॉन्ट बट इंस्टेड शी डिसअपीयर्स इन द बेयो। अब क्या था, वो उस रास्ते पे नहीं गई, डिजायरी अपनी मदर के पास वेलमॉन्ट की तरफ जो रास्ता जाता था वहाँ नहीं गई, बल्कि उसकी बजाय वो डिसअपियर हो गई बेयो में। सेवरल वीक्स आफ्टर आर्मिन सेट्स अप अ बोन फायर टू गेट रिड ऑफ डिजायरीज बिलोंगिंग। और कुछ हफ्तों के बाद आर्मिन ने क्या किया, उनको बोन फायर होती है आग, गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना। अब डिजायरी की बिलोंगिंग्स से, जो डिजायरी की चीज़ें थी उनसे छुटकारा पाना चाहता था, आग में उनको जलाना चाहता था। अमंग द स्टफ ही डिसाइड्स टू थ्रो अवे आर्मेंट्स फाइंड सेवरल लेटर्स, और उस सामान के साथ साथ उसने जो लेटर्स मिले उसको, उनको भी वो थ्रो करना चाहता था, फेंकना चाहता था। मोस्ट ऑफ देम आर लिटिल स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग मीन्स राइट केयरलेसली, और मोस्ट ऑफ द लेटर क्या था, केयरलेसली लिखे हुए थे। डिजायरी सेंट हिम इन द डेज ऑफ देयर एंगेजमेंट, और डिजायरी ने उन्हें उसे भेजा था किस टाइम पे, उसकी एंगेजमेंट के टाइम पे। बट ही ऑल्सो फाइंड वन दैट इज एड्रेस्ड फॉर हिज मदर टू हिज फादर। और क्या था, उनमें से एक लेटर में क्या था, उसने अपनी मदर को और अपने फादर को एड्रेस किया हुआ था, संबोधित किया हुआ था। इन द लेटर हिज मदर थैंक्स गॉड फॉर हर हस्बैंड्स लव बट शी ऑल्सो रिवील्स दैट शी इज ग्रेटफुल दैट हर सन विल नेवर नो दैट हिज मदर बिलोंग्स टू द रेस दैट इज कर्स्ड बाय स्लेवरी। स्लेवरी होता है दासता, मतलब दास लोग होते हैं जो। अब क्या था, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, हिज मदर थैंक्स, उसकी जो मदर थी वो गॉड को थैंक्स कर रही थी अपने हस्बैंड के लव के लिए, और उसने ये भी रिवील किया था कि वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है गॉड का, कि उसका सन क्या था, कभी भी नहीं जाना जाता कि उसकी मदर किससे बिलोंग करती है, उस रेस से बिलोंग करती है, उस जाति से बिलोंग करती है, दैट इज़ कर्स्ड बाय स्लेवरी, जो दासता से, कर्स होते श्रापित है। So that's the end of this chapter. Hope you understand it well. Listen the summary carefully and understand the chapter. Thank you.